आज से हम क्लास 9th ICSE बोर्ड के लॉगरिथम चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लॉगरिथम आज से पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉगरिथम। ठीक, तो सबसे पहले लॉगरिथम पढ़ने के लिए आपको जो आपको एक्सपोनेंट है ना, एंडाइसिस, वो आपको जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए तो लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल से लॉगरिथम की शुरुआत करना चाहें तो एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर हमने कहा 2 की पावर 3 है, कितना है? 2 की पावर 3, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो 2 है वो कितनी बार में है? 3 टाइम्स में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 2 × 2 = 4, और 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 है। यानी कि एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा हुआ है, अगर ये बेस है ऊपर पावर में है, तो जितनी पावर्स होती हैं उतनी बार में हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने एक और अगर एग्जाम्पल ले लिया, हमने आपसे कहा कि अगर यहाँ पे हमने 81 लिख लिया, क्या लिख लिया हमने? 81। ठीक, तो 81 को अगर आप एक्सपोनेंट में अगर ब्रेक करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 = 8, जो आपका ऊपर वाला आया था, ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर मैं लॉग में बात करूं कि आप इसे लॉग में कैसे लिखोगे, तब क्या करोगे? लॉग को लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखो LOG, लॉग। फिर आप क्या करो, जो आपके पास बेस है, ये 2 हमारा क्या है? ये बेस है, तो लॉग के नीचे यहाँ पे आप लिख दोगे बेस। ठीक है, फिर ये क्या है? राइट हैंड साइड वाला है, 8 हमारा क्या है? राइट हैंड साइड में ही तो है, तो राइट हैंड साइड इसको यहाँ पे लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, और उसके बाद देखिए पावर जो आपका 3 लिखा हुआ है ना, पावर को आपको यहाँ लिख देना, इक्वल टू में लिख देना। आपको ये रूल आपको यहाँ पे फॉलो करते रहना है लॉग को लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि 2 की पावर 3 = 8 है, इसको हमको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमने क्या कहा, लॉग है, LOG लॉग, उसको सबसे पहले लिखिए लॉग। उसके बाद देखिए बेस, बेस के यहाँ पे क्या है? बेस यहाँ पे बेस 2 है, तो बेस हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है, लॉग के नीचे यहाँ पे 2 लगाया है। फिर देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है? 8 है, राइट हैंड साइड में हमने 8 यहाँ लगा दिया है। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है? पावर, पावर हमारे पास कितनी है? 2 की पावर 3, तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, 4² = 16, आपको इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 16 सबसे पहली बात क्या है? ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। ये 2 हमारा क्या है? ये पावर है, 2 हमारा क्या है? पावर है, और 4 हमारा क्या है? ये बेस है। ठीक, तो इसको आइए हम लिखना फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको लॉग लिखना है, लॉग के नीचे यहाँ पे क्या लिखना है? बेस, बेस हमारे पास कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड वाला में लिखना है, राइट हैंड साइड में कितना है? 16, तो 16 लिख दीजिए, इस इक्वल टू लगाइए। उसके बाद क्या लिखना है हमें यहाँ पे? पावर, पावर हमको कितनी दी हुई है? 2, हम ऐसे लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास लॉग के फॉर्म में, हमने इसे लिख दिया है। ठीक है, तो हम आइए एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथम फॉर्म, आपको लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपका क्वेश्चन दिया है 5² = 25। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसको लॉगर में लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉग लिखोगे,
लॉग लिखने के बाद अब क्या लिखोगे यहाँ पे, बेस लिखोगे आप, ठीक, बेस लिखोगे। बेस के बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, राइट हैंड साइड वाला जो भी कुछ रहेगा वो लिखोगे आप। उसके बाद इक्वल टू में आप क्या लिख दोगे, पावर में जो भी चीज़ें आपकी दी हुई रहेंगी, ठीक है। तो सबसे लिखना स्टार्ट कीजिए, लॉग बेस में क्या है, फाइव है ना, फाइव में पावर टू है, तो फाइव हमारा क्या है, बेस है, तो लॉग फाइव। राइट हैंड साइड में क्या है, 25 है, तो आप यहाँ पे ये 25 इज इक्वल टू पावर में कितना है, टू, तो पावर में लगा लीजिए टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए की पावर 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ है, 64, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि लॉग में सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप लॉग, यहाँ पे लिखोगे आप बेस, यहाँ पे लिखोगे आप राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पावर वाला लिखोगे, ठीक। अब देखिए ए की पावर 5, ए हमारा क्या है, बेस है, तो आप लिख लीजिए लॉग, बेस में क्या है, ए है, तो ए लिख लीजिए, राइट हैंड साइड में कितना है, 64 है, तो यहाँ पे 64 लिख लीजिए, इज इक्वल टू पावर कितना है आपके पास में, 5 है, तो पावर यहाँ पे 5 लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर x इज इक्वल टू 100, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लॉग, नीचे क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बेस, बेस कितना है आपके पास में, 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है, 100, यहाँ पे हम लिख देंगे 100, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर लिखते हैं, तो पावर हमारे पास कितनी दी हुई है, x, हम लिख देंगे यहाँ पे x, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो आप इसे लॉग में कैसे लिखोगे, लिखिए लॉग, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस, बेस यहाँ पे आपके पास कितना दिया हुआ है, बेस कितना है, 9, तो यहाँ पे लिख लीजिए 9, राइट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ आपके पास में, 1, तो ये राइट हैंड साइड में लिख दिया आपने 1। अगर पावर की बात की जाए, पावर कितना लगा 9 की पावर 0, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 0, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कितना दिया, 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, आपको इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखिए लॉग, ठीक, बेस कितना दिया हुआ आपके पास में, यहाँ पे 6 है, ये बेस है हमारे पास में, 6 लिख दिया, राइट हैंड साइड में आपके पास भी कितना 6 है, 6 लिख लीजिए, इज इक्वल टू लगाइए, पावर में कितना है आपके पास में, 6 की पावर कितना है, 1, तो 1 आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/9, ये आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। हम इसके 7th क्वेश्चन आइए हम करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं फार्मूला एक तरह कह सकते हो, लॉग बेस RHS इज इक्वल टू पावर, यानी कि आप लिख लीजिए लॉग बेस में हमारे पास कितना है, 10 हमारा क्या है, बेस है, 10 लिख लेंगे, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिखेंगे 0.01, तो 0.01 राइट हैंड साइड में है, पावर में कितना लिखा हुआ, 10 की पावर -2 है, तो -2 हमारा क्या जाएगा, ये पावर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है 81 की पावर 3/4 इज इक्वल टू 27, तो जैसा हम जानते हैं लॉग बेस राइट हैंड साइड लिखना है, इज इक्वल टू पावर में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लॉग बेस हमारे पास कितना है, 81, ये बेस होता है, तो 81 हमने लिख लिया, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना दिया, 27, तो हम 27 लिख लेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, पावर हमारे पास कितना है, 3/4 है, तो 3/4 हम 4 लिख लेंगे, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है।